जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं इस चैनल पे शुरू कर रहा हूँ आप सभी के लिए टेंस सीरीज। हम पढ़ेंगे टेंस, ट्रांसलेशन, पहले हम टेंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करेंगे कि कम्पिटिटिव लेवल पे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम जब टेंस की बात करते हैं, हम टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, टेंस होते कितने हैं, टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टेंस टाइम टाइम है या टेंस और टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हम बात करते हैं जब टेंस की, तो टेंस शब्द जो है वह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जो क्या है, टेम्पुअस। और टेम्पुअस की जो मीनिंग आती है वह क्या आती है, टाइम आती है। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारे कितने होते हैं, टाइम हमारे तीन होते हैं। और अगर हम तीनों टाइम के तीनों समय की बात करें तो वह बात आता है बच्चे आपका एक, इसे हम अगर मैथ में देखें तो संख्या रेखा कहते हैं और इंग्लिश में देखें तो इसे हम टाइमलाइन कहते हैं। तो अगर हम टाइमलाइन की समय की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो जीरो है, जो अभी का समय होता है, यह हमारा प्रेजेंट हुआ। जीरो के पहले जैसे ही आएंगे, अगर हम संख्या रेखा के अनुसार से देखें तो अगर हम माइनस की जाएंगे की तरफ जाएंगे तो यह आपका पास्ट हुआ, और अगर हम जीरो यानी प्लस की तरफ जाएंगे तो यानी ये फ्यूचर हुआ। जब भी हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे कितने होते हैं, तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान का, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगला क्वेश्चन ये है कि जब भी टेंस याद होती है, जब भी हमें टेंस पढ़ाया जाता है तो नॉर्मली पूछा जाता है टेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट कहता है काल, फिर कहता है समय। टेंस और टाइम क्या सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? टेंस और टाइम दोनों सेम नहीं होते हैं। टेंस और टाइम सेम नहीं होते हैं, यानी कि टेंस और टाइम इक्वल नहीं होते हैं। टेंस हमारा एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टाइम हमारा नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि यह क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जहां हम टेंस को पढ़ते हैं, जहां हम टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं, वहीं किसी लैंग्वेज में हम टेंस को फ्यूचर, नॉन फ्यूचर पढ़ते हैं और कहीं लोग पास्ट और नॉन पास्ट पढ़ते हैं। यानी टेंस अगर हर एक ग्रामर में, हर एक भाषा में अगर टेंस सेम नहीं हो सकती, टेंस सेम नहीं है, इसका जो मुख्य रूप से है वह बच्चे इस पे जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है ग्रामर का। लेकिन जो टाइम होता है, टाइम हमारा नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, यह नॉन ग्रामेटिकल, यानी इसमें ग्रामर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि 8 बजे हैं, मैं कहूँ 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं, 8 बजे हैं, क्या इस पर कहीं हम ग्रामर देख सकते हैं? 8 बजे, 10 बजे कब का बता रहा है, क्या हम ये बता सकते हैं? जी नहीं। आगे हम बताते हैं, जो टाइम होता है वह मेरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम हर लैंग्वेज में टेंस सेम नहीं पा सकते हैं, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी अलग टेंस होती है, लेकिन वहीं अगर टाइम होता है, आप चाहे जहाँ चले जाइए, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो हर जगह 24 घंटे ही होंगे। अगर एक दिन में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आपको 7 दिन ही मिलेंगे। तो एक मुख्य बात है कि टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वहीं जो टाइम हमारा होता है वह नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसका ग्रामर से लेना देना नहीं है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक प्रैक्टिकली देखें कि मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट का समय है, वर्तमान का समय है और वर्तमान समय भी है, मैं पढ़ रहा था, पास्ट का समय है, टेंस भी पास्ट की दिखा रहा है, मैं पढ़ रहा हूंगा, यानी मैं पढ़ रहा हूंगा, टाइम फ्यूचर का दिखा रहा है, टेंस भी फ्यूचर दिखा रहा है। लेकिन अगर हम वही कहें कि वह कल ही आया है, वह कल ही आया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और कल पास्ट की बात कर रहा है, यानी जो टाइम होता है उसका टेंस से लेना देना नहीं होता है, उस पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे
मैं कल जा रहा हूँ। कल यानी जो कल की बात कर रहा हूँ वह फ्यूचर की बात कर रहा है, और जो टेंस है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। इन सब के बाद से अगर हम बात करें कि जो टेंस और टाइम, तो यह बात यही आती है कि टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंस पे ग्रामर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो टाइम होता है नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पे ग्रामर का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यह हर जगह सेम होता है। टेंस हमारी हर एक लैंग्वेज में सेम नहीं हो सकती, हर एक लैंग्वेज में सेम नहीं होती है। बात करते हैं टेंस के डेफिनेशन की। टेंस क्या होता है, हमें पहले टेंस की डेफिनेशन ही नहीं बताई जाती है। हम टेंस पढ़ते हैं, जब भी टेंस की शुरुआत होगी तो बता दिया जाएगा टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक्चुअल में टेंस होता क्या है? अगर हम टेंस के डेफिनेशन की बात करें तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्रिया का वह रूप है विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना कि समय और स्थिति को दर्शाता है। यानी अगर हम टेंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ें तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, किसका फॉर्म होता है, वर्ब का। केवल वर्ब के आधार पर हम टेंस पता कर सकते हैं। अगर वर्ब सेंटेंस में जो वर्ब प्रयोग हुआ है उस वर्ब के आधार से हम बता देते हैं कौन सा टेंस है। तो टेंस क्या है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्रिया का वह रूप है विच शोज, जो क्या दर्शाता है, टाइम एंड स्टेट। यानी जो टेंस है वह वर्ब की बात करता है, और वर्ब जो है वह एक्शन की बात करता है, और एक्शन के साथ ही साथ क्या, टाइम और स्टेट। इसका टाइम क्या है और इसका स्टेट क्या है? टेंस जो है क्या बताता है कि सोच दे फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्या बताता है बच्चे, क्या बताता है, एक्शन के समय और अवस्था को बताता है, अथवा घटना के समय और अवस्था को जो बताता है बच्चे वह क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस के डेफिनेशन में मुख्य बात यही है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्या होता है, टेंस क्रिया का वह रूप होता है विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जो किसी कार्य या घटना, जो किसी कार्य या घटना की समय और स्थिति को दर्शाता है, समय और स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, यानी बच्चे यह क्या है, समय कौन सा है इसमें, प्रेजेंट, और टेंस कौन सी है, प्रेजेंट टेंस। ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था, पास्ट टेंस है, समय भी पास्ट की ही है, वह फुटबॉल खेलता था, पास्ट समय की बात कर रहा है। एंड ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा, या फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, यानी यह काम फ्यूचर में होगा। यह होती है बच्चे तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अगर हम टेंस की बात करें, टेंस होती कितनी है, यानी एक जगह जो प्रेजेंट की बात किया, जो अभी हो रहा है, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, अभी एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट हुआ। ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था, अवस्था थी, लेकिन अब वह एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे वह फुटबॉल खेलता था लेकिन अब नहीं खेल रहा है, तो बच्चे पास्ट की बात करता है। ठीक है, ही विल प्ले फुटबॉल, खेलेगा, यानी अभी ना खेल रहा है, ना खेल रहा है, ना कोई पास्ट हुआ है। इस सब की बात करते हैं, जो स्टेट होती है, जो हमारा टेंस होता है, वह कितने प्रकार का होता है। तो टेंस की अगर हम प्रकार की बात करें, प्रेजेंट टेंस, इसे हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस, इसे हम कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस,
इसे हम कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन चल रहा है, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस। मैं फुटबॉल खेल रहा था, यानी ये बीत चुका है, यह है आपका पास्ट। और फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस, यानी मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वह एक्शन फ्यूचर में होगा यानी कि कल होगा, वह बताएगा आपका फ्यूचर टेंस। तो जब भी टेंस की बात आई, टेंस हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया है, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है, यानी कि जो फ्यूचर में होगा। लेकिन हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहते हैं और मॉडर्न ग्रामर क्या होती है। जो ट्रेडिशनल ग्रामर की हम बात करते हैं, हम जो ग्रामर पढ़ते हैं, हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें। अगर वही हम मॉडर्न ग्रामर की बात करें, मॉडर्न ग्रामरियन का क्या कहना है? ट्रेडिशनल ग्रामर टेंस कितने मानते हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर में टेंस कितनी होती है और मॉडर्न ग्रामर में टेंस कितने मानते हैं? मॉडर्न ग्रामरियन का टेंस भी क्या कहना है? ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार से टेंस तीन होती है। वह होती है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वह होती है, उनके अनुसार प्रेजेंट जो हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस वह होती है जो चल रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ। पास्ट टेंस वह होती है जो बीत गया है, जिसको मैंने देख लिया है, और फ्यूचर टेंस वह होती है जो आने वाली है। बट जो आने वाला है वह फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन अगर हम वही मॉडर्न ग्रामर की बात करें, तो मॉडर्न ग्रामरियन जो होते हैं, अगर हम इसी को मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से देखें, मॉडर्न ग्रामर या मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार से देखें, तो हमारी टेंस जो होती है वह केवल दो होती है, और वह क्या होती है आपकी? एक होती है आपकी प्रेजेंट टेंस, दूसरी होती है आपकी पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रही है, मॉडर्न ग्रामरियन का जो इस पे कहना है कि प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं फील कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वह प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस जो बीत गया है, जिसको मैं फील मैंने कर लिया है, जो बीत गया है, जिसको एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, इसको मैंने देख लिया है। लेकिन अगर इनकी बात होती है, फ्यूचर टेंस के बारे में, तो ये लोग फ्यूचर टेंस नहीं मानते हैं। इनके फ्यूचर टेंस न मानने का मुख्य रीजन क्या होता है? जो हमारे मॉडर्न ग्रामरियन होते हैं, या फ्यूचर टेंस नहीं मानते हैं, या फ्यूचर टाइम मानते हैं। फ्यूचर टेंस न मानने का मुख्य रीजन क्या है? इसलिए इनका कहना है कि प्रेजेंट टेंस जो मैंने देख लिया है, जो मैंने महसूस कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। पास्ट टेंस वह होता है जो बीत गया, जिसको मैंने महसूस कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया है। फ्यूचर टेंस, मैंने कहा कि मैं परसों, मैं दो दिन बाद, या मैं अगले महीने में आगरा जाऊंगा। जब अगला महीना आया, हमारा अगला महीना आया नहीं है अभी, और ना ही मैं आगरा गया हूं, बस ये मेरे विचार में है, मेरी सोच में है, और विचार और सोच के आधार पे वे लोग टेंस नहीं मानते हैं कि ये एक्शन तो हुआ ही नहीं अभी। विचार और सोच के आधार पर ये लोग टेंस नहीं मानते हैं। दूसरा इनका एक और रीजन देते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी हम बात करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दीजिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी जहां V1 में यस या ES जोड़ा गया होता है, ठीक। अपनी खुद की प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक वर्ब होती है,
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें यस या ई एस जोड़ा गया होता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ई एड कर यस ऐड कर देते हैं। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म अपनी खुद की वर्ब है। फ्यूचर टेंस में गए तो क्या इसकी अपनी खुद की वर्ब है? अपनी खुद की वर्ब होने की अगर हम बात करें तो जहां पे इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था या वर्ब की पांचवी फॉर्म थी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड किया था? यस या ई एस, वर्ब की पांचवी फॉर्म बनी। पास्ट टेंस में क्या वर्ब की सेकंड आया फॉर्म आया। लेकिन फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर कि विल या शैल की बात वी वन है, लेकिन ऑलरेडी वी वन तो आ चुका है फ्यूचर में। फिर कहेंगे विल और शैल के साथ है, विल और शैल तो मॉडल एक्चुअल में है। अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी में थोड़ा सा वर्ब गौर करें, मैं पढ़ता हूँ, तम मैं पढ़ता था, एक पास्ट दिखाया, मैं पढ़ूंगा उंगा ये फ्यूचर दिखाया। इसकी अपना लास्ट में चेंजिंग है, अपनी लास्ट में वर्ब था, ता था, मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट दिखा रहा है, पढ़ता था पास्ट दिखाया, पढ़ूंगा फ्यूचर दिखाया। ये कि अपनी अलग वर्ब है, लेकिन क्या इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की पांचवी फॉर्म इसका आपने वर्ब दे दिया, इसका आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दिया। लेकिन फ्यूचर का अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे मैंने विल और शैल के साथ बी वन दिया, लेकिन बी वन तो ऑलरेडी आ गया है फ्यूचर टेंस में, सॉरी ऑलरेडी आ गया है प्रेजेंट टेंस में। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये लोग जो मॉडर्न ग्रामेरियन होते हैं ये लोग फ्यूचर टाइम मानते हैं, और वे लोग केवल दो ही टेंस मानते हैं, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। हम जो सीरीज शुरू कर रहे जा रहे हैं, हम इस सीरीज में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर में हम इसको ट्रांसलेशन और फिर साथ ही साथ हम कम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम कम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ेंगे ताकि आगे एग्जामिनेशंस में, अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आप ज़रूर जुड़िए इस यूट्यूब चैनल से शिवेंद्र एकेडमी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।